हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, आज हमारे हिंदी व्याकरण के क्लास में मैं आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। मैंने आप लोगों को पहले के क्लास में संज्ञा के विषय में बताया था और कहा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, पर यही संज्ञा का प्रयोग किसी भी वाक्य में बार बार होने लगे तब वह कुछ अटपटा सा लगने लगता है। जैसे कि अमित सवेरे उठता है, अमित रोजाना शहर को जाता है, अमित रोजाना नहाता है, अमित स्कूल जाता है, अमित पढ़ता है, अमित खेलता है। तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों में आपने देखा कि संज्ञा शब्द अमित का बार बार प्रयोग किया गया है। ये वाक्य अटपटे से लगते हैं, इन्हें इस प्रकार होना चाहिए। अमित सवेरे उठता है, वह रोजाना शहर को जाता है, वह रोजाना नहाता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। बार बार किसी नाम का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर मैं, तुम, उस, हम, वह आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द सर्वनाम होते। अतः वे सभी शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने, तुम, तुम्हें, तुमसे, तू, तुझे, वह, उसने, उसको, उन्हें, वे, उन्होंने, उनसे इत्यादि। तो बच्चों, अब हम लोग सर्वनाम से जुड़ा कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। हमारे सामने 6 वाक्य दिए गए हैं। हमें उन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानना है और उनके नीचे रेखा खींचना है। मैंने आपको समझाने के लिए सभी सर्वनाम शब्दों को हाईलाइट कर रखा है। जैसे कि पहला वाक्य है, मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है। यहाँ पर मेरा कुछ नाम है, पर मैं अपने आप को खुद के नाम लेके कैसे संबोधित कर सकती हूँ, इसलिए खुद के नाम के जगह पर मैंने मेरी शब्द का प्रयोग किया है और सामने वाले के लिए तुम्हारे शब्द का प्रयोग किया है। दोनों शब्द सर्वनाम है, इसलिए मैंने दोनों शब्दों को हाईलाइट किया है। इसी प्रकार बाकी वाक्यों को समझते हुए आप अपने हिंदी के नोटबुक में साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे और सर्वनाम शब्द को रेखांकित करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।